का चटचटा ब्रेकिंग में मालदीव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक मालदीव में टूरिस्ट की भारी कमी शुरू हो गई है, जिसकी आशंका भी जताई जा रही थी। भारत से टूरिस्ट मालदीव की बजाय अब लक्षद्वीप जाने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि जहां एक तरफ भारत के टूरिस्ट जो है मालदीव में अपनी होटल की बुकिंग लगातार कैंसिल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग लक्षद्वीप में धड़ाधड़ होटल और टूरिस्ट स्पॉट्स की बुकिंग करा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि लक्षद्वीप में मार्च 2024 तक की बुकिंग अब पूरी तरह से फुल हो चुकी है। तो भारत से पंगा लेकर मालदीव को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ चाइनीज टूरिस्ट मालदीव नहीं जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में विपक्ष के नेता राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार उखाड़ फेंकने में जुट गए हैं। ऐसे में हालात बहुत जल्द मालदीव में रोटी के लाले पड़ते हुए नजर आते हैं। जब किसी देश की मौत आती है तो वो चीन की तरफ भागता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की तुलना उस गीदड़ से की जा रही है, जिसके बारे में हिंदी में बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। फर्क बस इतना है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन की तरफ भागे हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मोइजू ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करके जिहादी मानसिकता के कब्जे में आकर भारत से दुश्मनी और उस चीन से दोस्ती कर ली है जहां उइंगर मुसलमानों को अब जीने का भी अधिकार नहीं है। मोइजू मालदीव्स के कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं और उस चीन से दोस्ती गांठ रहे हैं जिसने उइंगर प्रांत में मुसलमानों की मस्जिदों के गुंबद ही उड़वा दिए हैं। उइंगर मुसलमानों को चीन यातना शिविरों में रखता है और उइंगर महिलाओं पर भी जुल्म ज्यादतियां करता है। लेकिन अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए और चुनावी राजनीति के लिए अब मोइजू ने मालदीव्स को चीन के खूनी दड़बे में घुसेड़ दिया है। मोइजू के चीन दौरे पर चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स काफी खुश है और वो इस मौके का इस्तेमाल भारत पर तंज कसने के लिए कर रहा है। किस तरह से ग्लोबल टाइम्स ने भारत विरोध करके दुनिया में अपनी हंसी उड़वाई है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मोइजू की चीन यात्रा की। भारत के साथ चल रहे राजनयिक विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। राष्ट्रपति मोइजू 5 दिनों के चीन दौरे पर हैं, जहां उनका जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है और मोइजू को 21 तोपों की सलामी दी गई है। चीन समर्थक माने जाने वाले मोइजू का चीन दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत के साथ मालदीव का राजनयिक विवाद चल रहा है। दरअसल मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों पर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। मालदीव के एक नेता जाहिर रमीज ने पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में लिखा था, अच्छा कदम है लेकिन हमसे मुकाबला करने वाली बात भ्रम पैदा करती है। भारत के लोग इतने साफ कैसे हो सकते हैं, उनके कमरों से बराबर बदबू आती है जो इस राह में बड़ी रुकावट है। मालदीव के नेताओं की इस तरह की टिप्पणी से भारी विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद मालदीव सरकार ने खुद को नेताओं के बयान से अलग कर लिया और कहा कि ये उनके निजी विचार है। भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव के ट्रेंड के बीच मोइजू